अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्रॉग क्यूर किस तरीके से बनाते हैं, जो स्नेक हेड के लिए काम में आता है, वो आप लोगों को घर में रहे सो आसान चीज़ों से किस तरीके से बनाते हैं वो बताता हूँ। इसके लिए अपन को चाहिए कुछ रबर के टुकड़े चाहिए अपन को। ये स्पेशली जो है अपन को आजकल इसके चप्पलां बहुत आ रहे हैं, वो चप्पलों के टुकड़ों से भी ये रबर जो है नरम रबर रहता और ये पानी में डूबता भी नहीं। रबर के टुकड़े चाहिए कुछ, अपन को एक फेविक्विक चाहिए और आपको जो है ये गल चाहिए। अगर गल किसी को बनने नहीं आता तो मार्केट में रेडीमेड गलां भी मिलते, ये इस तरीके के ये चाहिए। कुछ रबर बैंड्स चाहिए अपन को और एक ब्लेड चाहिए और नट का एक, अपने हिसाब से नट ले सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास एक बना के है, जो मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ, वो वेट के लिए अपन को काम में आता। पहले मैं आपको एक गला किस तरीके से बनना है अपन को वो बताता हूँ। पहले अपन एक वी शेप का रबर काट लेना। ये रबर काटने के बाद इसमें अपन को गला फिट करना रहता जो बराबर एक्यूरेट बैठते। इस तरीके का एक वी शेप का रबर काट लो आप पहले। इसके बाद यहाँ से अपन को दो गाले बनाना है, यहाँ से ताकि गलों को अपन इसमें बिठा सके। वो ये देखो, मैं अभी यहाँ पे काट के दो गाले बनाया ताकि ये गल जो है इसमें बैठ सकना, ये गल और ये गल, ताकि जब अपन बनते ये इस तरीके से आती। मैं आपको रेशम के तागे से ये बन के बता दूँ। आप जो है ये गलों को इस तरीके से बन लो, बेहतर है रेशम के तागे से बनो ताकि थोड़ा लाइन जो है, तंगुस जो है थोड़ा कंपेयर टू रेशम का तागा वीक रहता, इससे बनिए तो बेहतर रहता ताकि थोड़ा मजबूती अच्छी रहती। अपन जो है इसको जैसा वेटिंग का बनते उसी तरीके से बनना है, ताकि ये बहुत थोड़ा लोगों को मुश्किल होती बनने के लिए, फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो वो लोग जो है इस तरीके से बन के तैयार कर सकते हैं। आपको ये देखिए, एक मैं जो है यहाँ पे बन दिया। ये जो है एक लूप देना ज़रूरी है अपन को, और ये गालों में डाल के गलों को बन दिया ताकि ये जो है मेंढक की पीठ पे गला बैठ सकते। ये जो है मैं फेविक्विक लगा दिया इसके ऊपर ताकि ये मजबूती पकड़ सकना, ये दबना नहीं गला, और ये लूप इसके लिए है कि यहाँ पे अपनी लाइन बन सकते अपन, ठीक है। ये गला बन लेने के बाद अपन क्या करेंगे, ये जो टुकड़े में थोड़े बहुत रबर के रखा उसको अपन जो है मेंढक के शेप में बराबर गलों के साइज़ के हिसाब से काट लेना। ये बहुत मोटा है, अपन इसको बीच में से भी काटना रहता। इसको शेप में से काटने के बाद इसको बराबर अपन जो है यहाँ से दो टुकड़े कर देना है। इसको टुकड़े ये देखिए, दो टुकड़े मैं बना दिया इसके। आपको इसमें क्या करना है, एक टुकड़े में गला बैठने के लिए इस तरीके से ब्लेड से यहाँ से काट के इसका गाला बना देना है ताकि ये जो गल है इसमें फिट बैठ सकना। और एक एक हिस्से में उसके आपको जो है ज़रा सा कटिंग करके ये नट अंदर बिठा देने का है। देखिए ये वेट के लिए है ताकि अपन को फेंकने में आसानी होना। उसके बाद अपन जो है रबर बैंड्स को मैं इस तरीके से काट लिया। काट के ये सारे रबर बैंड्स को जो है आप इस तरीके से बांध लो।
इसको जो है आप रेशम के तागे से बंध लो। बता ये रबर बैंड्स के आप इस तरीके के दो सेट बना लो, दो सेट बना के जो है रेशम के तागे से बनो इसको। इस तरीके से रेशम के तागे से आप जो है इसको बंधे के घट से इसके ये इस तरीके से आप जो है बांध लो, ठीक है। उसके बाद आपका काम ये है कि जब ये जिसमें अपन यहाँ पे नट बनाएं वो नट की इसमें आप एक जो है कटिंग करो इसको, एक खाली लाइन मारो खाली ब्लेड से अंदर, ताकि अपन जो है ये जो है इसमें फिट कर देना, ये इस तरीके से फिट हो जाता अंदर। आप इस तरीके से रील के नायलॉन का जो तागा है उस तागे को इसमें डाल के सिर्फ ज़रा सा फेविक्विक डाल के इसको चिपका दो। अब जो है ये जो मैं आपको पहले बताया था ये जो गलों के लिए गाला बनाना बोल के, ये गला जो है आप इसमें इस तरीके से फिट कर दो। ये आपके गला इस तरीके से अंदर बैठ जाता है, तागे की डोर जो है आप बाजू से छोड़ दो, ताकि गला जो है इस तरीके से बैठ जाना। इसके बाद आप और थोड़ा स्ट्रांग रहने के लिए ज़रा सा फेविक्विक इस पे भी डाल के इसको अच्छी पकड़ के लिए काम में आता, इसकी पकड़ मजबूत हो जाती गलों के ऊपर। आपको बता दूं मैं ये किस तरीके से चिपकाना है आगे। ये देखिए गला अच्छे से मजबूती से पकड़ लिए इसको, ठीक है, और ये हिस्सा भी अपना रेडी हो गया। अब इसके बाद अपन को ये दो हिस्सों को जो है इस तरीके से फेविक्विक डाल के चिपका देना है, ताकि अपना फ्रॉक जो है ऑलमोस्ट रेडी हो जाता, ठीक है भाई। ये देखिए इस तरीके से अपन इसको फेविक्विक से चिपका दिए, ताकि ये स्ट्रांग हो जाना। इस तरीके से अपना जो है फ्रॉक तैयार हो गया। इसके लिए अपने पास घर में कोई छोटे गुड़ियाँ या फिर कुछ खिलौने रहते जिसको आँख रहते, वो भी मेरे पास, खैर मेरे पास अवेलेबल है नहीं है, तो भी अपन इसको इस ये जो है प्लास्टिक के मार्केट में मिल जाते अगर ख़रीदना है, तो इसको अपन जो है यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लगा दिए तो आपको वो जो है देखिए इस तरीके से मैं जो है फेविक्विक से रेडी कर दिया। अब हम जो है इसके ऊपर कलर करेंगे। कलर जो है आप घर में एक्चुअली फैब्रिक्स के ऊपर कलर करते वो वाला भी लगा सकते, या तो फिर आप स्प्रे पेंट भी कर सकते अगर आपको ज़रूरत है तो। कलर करेंगे तो थोड़ा खूबसूरती दिखेंगी, लेकिन आपका इससे भी अपन जो है फ़िशिंग के लिए यूज़ में ला सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है बोलते, ये पानी में डूबता नहीं, ये पानी के ऊपर रहता। इसकी टेस्टिंग में मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए भाई अपन जो है अब अपने फ्रॉक को जो है पानी के अंदर टेस्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं मग में पानी लिया हूँ फुल, ताकि अपन का टेस्टिंग हो सके। ये इस तरीके से पानी के ऊपर ही रहता है।
कितना भी दबा लेके आप वो करो ऊपर आ जाए ये, और जब पानी में से अपन फिशिंग के लिए लाइन खींचेंगे तो ये सारे जो है रबर्स जो है एक हिसाब से पानी को खींच लेते आते हैं, और ये नट जो है नीचे के हिस्से में रहने की वजह से अपना फ्रॉग हमेशा सीधा रहता और गला ऊपर रहता है हमेशा। आपको ये तो मैं अभी इसको कलर नहीं करा, पहले टेस्टिंग के लिए मैं डाल के बता रहा हूँ, ये अच्छा खासा हेवी भी है और दूर भी जाता। दूसरी बात क्या है, मैं इसको पेंटिंग करके आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। इसको जो है इस तरीके से मैं जो है पेंट कर दे रहा हूँ। पूरा कंप्लीट होने के बाद आप ये जो है फैब्रिक पेंट है, ये फैब्रिक्स पे भी काम में आता, ठीक है। इसको चाहे तो आप ऊपर भी कर सकते हैं या दोनों साइड कर सकते हैं, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है जी भाई। जैसे कि मैं आपको बताया था इसको पेंटिंग कर सकते, फैब्रिक पेंट से पेंट कर सकते बोल के, ये देखिए मैं जो है ये एक पेंट करा हुआ हूँ। ये उतना कुछ पेंटिंग का कुछ अपन को उतना वो नहीं रहता जितना ये पैटर्न का है। अपन को ये एक तरीके का बनाया, मैं कई तरीक़ों के बना सकते बस, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए जो है ये दो गल का है, ये तीन गल का है, इसके नीचे भी यहाँ पे भी एक गल है, दिख रही ना, ये इस तरीके से बनाया और एक एक इस तरीके से एक बनाया, ये दो गल का है, सारे के सारे जो है ये एक ही चप्पल के टुकड़ों से बोलो या रबर के टुकड़ों से बोलिए उसी तरीके से बनाया, ये एक बनाया जैसे कि आप देख रहे ना, ये रबर के टुकड़ों को आप कट करके जा अगर अपन मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगे हैं। ये सारे के सारे जो है पानी के ऊपर रहते, पानी के अंदर नहीं जाते। अगर बहुत ज़्यादा वेट डाल दिया उसके अंदर तभी अपन को कुछ इशू होता, वरना ये बेहतरीन है स्नेक हेड के लिए, मरल के शिकार के लिए बेहतरीन चारा है ये भाई। और एक एक बात क्या है बोले तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में चारा कैसा मिलाते वो बताऊंगा इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है अपन मार्केट में महंगे चीज़ों से ख़रीदना नहीं पड़ना अपन को, और अपन जो है सस्ते चीज़ों से किस तरीके से अपन मच्छी के शिकार के लिए चारा बोलो या फिर जो जो भी है करके दे सकते हैं। शुक्रिया।